मुजफ्फरपुर को पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा सौगात दिया है। उन्होंने जिले में ब्रिज और रिंग रोड निर्माण की बात कही। कई वर्षों से औराई प्रखंड की जनता इस आस में थी कि कब ब्रिज का निर्माण होगा और आवागमन में आसानी होगी। जिले में शनिवार को मंत्री ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय और बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार भी मौजूद रहे और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कई बिंदुओं पर समीक्षा हुई। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि औराई प्रखंड स्थित अतरार से बवनगामा तक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर का अपना रिंग रोड होगा, इस पर भी विचार हुआ है। कांटी बकरी दिघरा होते हुए NH-57 तक रिंग रोड बनेगा। इसका DPR तैयार कर केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके साथ जगन्नाथ मिश्रा पथ में ब्रिज को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था उसे भी क्लियर किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ था, इस बिंदु पर चर्चा हुई। पुल निर्माण विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अप्रैल तक कार्य पूरा हो जाएगा। शहर में जो नाला निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा, साथ ही सड़क के चौड़ीकरण पर भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष से ब्रिज हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा। बिहार में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाने की योजना है ताकि ब्रिज की तकनीकी और गुणवत्ता को समय समय पर देखा जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मिशन है कि किसी भी शहर से पटना 5 घंटे में पहुंचा जा सके, उसकी भी तैयारी चल रही है। हर 40 किलोमीटर पर 4 लाइन का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अयोध्या से माता सीता की नगरी जनकपुर तक 2 लेन सड़क था, इस पर काम चल रहा था, लेकिन उन्होंने इसे 4 लाइन करने का निर्णय लिया। इस पर केंद्रीय मंत्री को प्रस्ताव भी भेज दिया गया था जो स्वीकृत हो चुका है। इस पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। अब अयोध्या से जनकपुर तक 4 लाइन सड़क का निर्माण होगा। पहला काम चल ही रहा है, दूसरा जो नया गांधी सेतु जो है, पुराना वाला जो गांधी सेतु का जो ब्रिज का पार्ट है वो हम लोग जून तक कवर कर लेंगे, और जो नया वाला पार्ट है उसको भी 2023 दिसंबर को हम लोगों ने टाइट कहा है कि 23 दिसंबर तक कंप्लीट करने के लिए। उसके बनने के बाद जो पूरा जो रामाशीष चौक पर जो पूरा 8 लेन का होगा, जो मुजफ्फरपुर छपरा 8 लेन का है, उसको हम लोग 8 लेन में कवर कर रहे हैं, और ताकि और वहाँ पर एक रोटरी भी डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को छपरा मुजफ्फरपुर आवागमन और जो हाजीपुर से हिटिंग ट्रैफिक होगा 8 लेन का, उसको हम वहाँ पर तभी उसको भी हम लोग देखते हुए आए हैं, तो उसका भी पूरा डिजाइन बन रहा है, और हमको लगता है कि जब तक ये कंप्लीट होगा तब तक उस रोटरी को भी हम बनाएं ताकि मुजफ्फरपुर छपरा और जो हाजीपुर को कनेक्टिविटी भी मिले और ट्रैफिक भी स्मूथ बने। तो कहीं ना कहीं वो 8 लेन बनने से पूरा इस जोन में जो हम लोग पटना जाने का एक बहुत बड़ा, और आमस दरभंगा बनेगा तो गंगा पर ऐसे भी हम लोग अभी तक 17 पुलों का निर्माण गंगा में चल रहा है। एक बहुत बड़ा तोहफा अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने दिया कि JP सेतु के पैरेलल हम लोग को 6 लेन ब्रिज मिला है जो सोनपुर से सीधे दीघा जुड़ रहा है। तो वो दिघवारा वो अलग है, शेरपुर दिघवारा अलग है, शेरपुर दिघवारा तो अलग एक ब्रिज बन रहा है जो कि पटना रिंग रोड का पार्ट है, लेकिन एक JP सेतु के पैरेलल जो बन रहा है वो सोनपुर दीघा का है जो 6 लेन अभी हाल में स्वीकृति मिली। तो केंद्र सरकार का लगातार हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बिहार पर विशेष फोकस रहा है, तो उस दृष्टि से हम लोग कई योजना ले पा रहे हैं। ये कब तक होकर आपसे कब्जा रहता है जिसके वजह से आम आदमी को काफी परेशानी हो रही है, वो मुक्त नहीं हो पा रहा है? भगवानपुर से चांदनी चौक तक पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह सर्विस लेन लिखते जाम है, वो पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया एक प्रकार। अच्छा, जो गाड़ियां लग जाती हैं? जी हाँ, पूरी तरह सब लोग बना के एकदम वहीं पर। ठीक है, वो बात आपकी बात सही है, कई जगह हम लोग काफी बहुत जनता को दिक्कत होती है। नहीं, हम उसमें जाते भी, हम लोग जब उधर से निकल के तब जाते देखते हैं कि पूरा 1 लेन पे गाड़ियां लग। हम जिला प्रशासन, हम लोग देखिए ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, और ये यहाँ ही नहीं पटना में भी फेस कर रहे हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन का इलाका है तो ट्रैफिक का जो हम लोग स्लिप रोड बनाते हैं या जो साइड रोड बनाते हैं जनरली वहाँ पर गाड़ियाँ का नहीं। ठीक है, आपने भी संज्ञान दिया और हम लोग भी इसको फेस कर रहे हैं, जिला प्रशासन से हम भी बात करेंगे ताकि उस पर कुछ ना कुछ लोगों के मूवमेंट में दिक्कत नहीं हो,
क्योंकि गाड़ियां उनकी ही गाड़ियां वहीं पर लगी रहती हैं, तो वो अपने आप में एक हम देख रहे हैं। आपका जो विषय आया ध्यान में आया, मेरे यहाँ भी बाईपास में वही स्थिति हो रही है। सर इससे पूर्व तो जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जो है काफी जर्जर हालत में है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। किसका? ग्रामीण सड़कें जो है जिले की, वो बाढ़ के बाद जो है काफी जर्जर हालत में है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। उसमें वो तो ग्रामीण विभाग के अलग से मंत्रालय है, उसके दृष्टि से उसके मंत्री भी हैं, लेकिन ग्रामीण विभाग भी बिहार सरकार के दृष्टि से उस पर मेंटेनेंस पे पॉलिसी पे काम कर रहा है, और बहुत जल्द हमको लगता है ग्रामीण विभाग भी अपने मेंटेनेंस पॉलिसी के साथ आएगा, तो फिर ग्रामीण विभाग की सड़कों को भी मेंटेन किया जाए। लेकिन चूंकि कुछ बाढ़ प्रोन इलाके हो जाते हैं तो वहाँ दिक्कत आती है, अदरवाइज अब उसके मेंटेनेंस पॉलिसी हमको लगता है इस साल आ जाएगा, तो आपको उसमें अंतर दिखेगा। अगर फोर लेन की बात करें तो उस पर लोग टैक्स दे के और घटिया रोड पर चलने के लिए लोग तैयार हैं। NH 28 की बात करें कई जगहों पर जो सरकार का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा है। देखिए एक चीज़ है कि मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ का अगर उपयोग कीजिएगा तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही होता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग को इस मानसिकता में आना है कि हमें भी अच्छी सड़कें चाहिए। हम अगर अच्छी सड़कें चाहते हैं तो अच्छी सड़कों के लिए हर चीज़ को उपलब्ध कराना पड़ता है। अभी बहुत जल्द हम लोग बिहार में हैम मॉडल से ला रहे हैं, जहाँ सड़कों को हैम मॉडल के तहत हम बनवाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें बड़े एजेंसी आएंगे। क्या हाइब्रिड MUT मॉडल कहते हैं उसको, हाइब्रिड MUT मॉडल, जिसमें बैंक, कंसनायर और गवर्नमेंट तीन आदमी मिलकर उसमें लगाती है और सड़कों का प्रपोजल देती है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द कई राज्यों ने काम किया। तो PPP का डिफरेंट मोड है, उसमें गवर्नमेंट भी है, बैंक भी है और कंसनायर भी है, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर हम लोग आ रहे हैं, भविष्य में उसमें अंतर दिखेगा। एक्शन प्लान में RCD में एक भी प्रोजेक्ट को नहीं लिया गया। नहीं, ऐसे एक्शन प्लान को आप जब देखते हैं तो जो योजना के हिसाब से नहीं, अभी पिछले ही वर्ष की अभी हमारे जिले में कितनी योजना चल रही है आप बताइए? कम से कम 4 सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रही है, जो योजना दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको मुजफ्फरपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, ब्रह्मपुरा से भामाशाह द्वार बना रहे हैं, नवयुवक समिति ट्रस्ट से लेप्रोसी मिशन बना रहा है, मिठनपुरा से पाई, टोटल योजना 3 साल पहले का है। नया इस साल के एक्शन प्लान में पहले एक भी योजना मुझे किसी जिले को कभी किसी साल जी योजना अधिक मिलती है किसी जिले को अधिक, तो ये तो कहीं ना कहीं, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारी कई बड़ी स्कीम्स चल रही थी, तो इसलिए आज हम अभी रिव्यू जो कर रहे थे तो कम से कम कह सकते हैं कि पिछले 200-300 वर्षों में कई काफ़ी योजनाएं, अब उन कामों को सही मॉनिटरिंग करके काम को निष्पादन कराना ये विभाग के लिए है, और उसको हम एक और मेजर इशू ये है, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है सरकार को 5 साल पूरी तरह से राज्य की जनता के हित में चलाने का, उनको आदत पड़ गया है खेला करने का, तो पूरा खेल भी तो बढ़िया से खेले नहीं तेजस्वी यादव, उसमें भी रणजी में ही लटक के रह गए, तो कोई चीज़ खेलते भी तो बढ़िया से तो भी खिलाड़ी कहलाते हैं, वो तो अनारी है, वो अनारी ना है, इसलिए कौन बोलते हैं। लोग कह रहे हैं अभी आपके आपके घटक दल के लोग भी कह रहे हैं कि तेजस्वी छोटा भाई है लालू की विचारधारा के साथ। अब मेरे भाई तेजस्वी मेरे भी छोटे भाई हैं, मैं भी बोल सकता हूँ विचारधारा के साथ हैं। विचारधारा का भाई थोड़े होता भैया, भाई उम्र में भी होता है ना, विचारधारा का भाई तो बगल में खड़े हैं मेरे। मुकेश सहनी ने कहा है कि लालू की विचारधारा के साथ जाएंगे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कब कहें, हमको तो अभी तक नहीं सुनाई पड़ा है। रहे हैं वो तो। अगर कहेंगे जाएंगे तो उनका उनको उन राजनीतिक दृष्टि से उनको पास जो विकल्प है उस पर वो बात कर रहे हैं। हमारे पास UP में पूरी ताकत से योगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2/3 बहुमत से योगी जी की सरकार बनने जा रही है। मुकेश सहनी का असर पड़ेगा कि नहीं? मुकेश सहनी जी बेअसर, अब क्या कहें, मुकेश सहनी जी जिस प्रकार से बिहार में अपना फैलाव करें उनका है, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि UP में हम जीतेंगे। सीट पर कौन लड़ेगा, उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, NDA लड़ेगा।